Radio Mirchi USA, ladies and gentlemen, आप मुझे सुन नहीं रहे इस टाइम देख रहे हैं. Well, you can also see and hear me. I've just attended the press screening for Brahmastra, the first in the world anywhere, and बहुत सारे overwhelmingly positive reactions आ रहे हैं. And मेरा खुद का review मैं कभी करता नहीं हूँ फिल्मों का, because I leave it to you guys. But three words for this movie. First, vision. Vision है आयान मुखर्जी साहब का, so big shout out, big congratulations to him. क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म का इतने बड़े स्केल पे envision करना इतने सालों पहले, so that it can actually translate on screen like that, that is very good. Second thing is dedication. You can tell that every actor is dedicated, because हर एक्टर ने अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया. Big shout out specially for Alia Bhatt, because I did not think she would be that big part of this movie, but she is, and काफी अच्छी तरह से उन्होंने अपने काम को किया. And third is commitment. Each person, each department is very committed. You can tell from the set design, from the background score, all the way from the VFX and the singers, music, everybody did a good job. And I have with me the shirt that Ranbir Kapoor wore in the Kesariya song. No, I'm kidding. It's a cheap knockoff. So go find the biggest screen you can and go see Brahmastra. And keep listening to Radio Mirchi USA. ब्रह्मास्त्र फिल्म को लेकर विदेशों में मचा तहलका. वहां से आया जबरदस्त फर्स्ट सो फर्स्ट रिव्यू, बहुत ही गजब का. हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में. आप लोग को पता है कि इंडिया में 9 सितंबर के दिन आप लोग के नजदीकी सिनेमा घरों में इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है. और बेशक इंडिया में तो फिल्म कल आ रही है, बट यूएसए में एक दिन पहले ही वहां पे फिल्म रिलीज किया जाता है. बल्कि आज के दिन ही फिल्म रिलीज किया गया और वहां से बहुत ही तगड़ी रिस्पॉन्स मिल रही है इस फिल्म को लेकर. और फाइनली वहां के बहुत ही गजब गजब तरीकों से रिएक्शन सामने आ रही है. वहां से जो रेटिंग आए हैं सामने, 5 में से 5 का रेटिंग दिया गया है, 4.8 रेटिंग दी गई है, 4.7 रेटिंग दी गई है इस मूवी को. वहीं इस फिल्म को लेकर आउटस्टैंडिंग और बॉलीवुड हॉलीवुड को टक्कर देने वाली फिल्म बताई गई है. हॉलीवुड के जो लेवल होते हैं, मार्वल जो फिल्म बनाती है, उस तरह की फिल्म बताई गई है. बहुत ही तगड़ी इसकी स्टोरी है और इसके हर एक एक्टर को, मतलब आलिया भट्ट हो, रणबीर कपूर हो, शाहरुख खान हो, या इसमें कह सकते हैं अमिताभ बच्चन हो, या नागार्जुन हो, मौनी रॉय हो, सभी एक्टर का बहुत ही गजब के तारीफ किए गए हैं. बहुत ही लाजवाब ये फिल्म है और आप लोग को भी फिल्म देखना चाहिए. यूएसए की तरफ से बहुत ही तगड़ी लाजवाब टॉप क्लास की वहां से रिव्यू आई है. बट मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूंगा कि इंडिया में, वो भी मुंबई में, जहां तक एक बहुत ही शानदार प्रीमियर शो रखा गया है फैंस के लिए, वो भी शाम के 7:30 PM में, तो इंडिया से भी आज ही फर्स्ट रिव्यू आ जाएगा. तो बेशक मैं आप लोग को लगातार बताता रहूंगा. ये तो यूएसए का रिव्यू आया है वहां से, और देखते हैं इंडिया में फैंस को क्या पसंद पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो तो आप जहां तक डिपेंड रहेगा. बट इस फिल्म की हर एक चीज बहुत ही अलग बताई गई है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टॉप क्लास की बताई गई है. तो बेशक साल 2022 की बहुत ही शानदार जानदार कलेक्शन करने वाली ये फिल्म बनने वाली है. वेल, अपना अपना ओपिनियन जरूर देते जाए. मिलते हैं अगले अपडेट में, जो होने वाला है बेहद इंटरेस्टिंग.